हेलो गाइस, मैं मुसीबल, आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगंधर। इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत सारे भाई ने कमेंट किया है कतर में इसी कंपनी में रह के पार्ट टाइम जॉब कर सकते कि नहीं कर सकते, बहुत सारे भाई ने कमेंट किया है। तो इस वीडियो आप लोग को बताऊंगा कंपनी में किस भी कंपनी में रह के पार्ट टाइम जॉब कर सकते कि नहीं कर सकते और क्या क्या नहीं कर सकते, वो भी इस वीडियो आप लोग को बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जो प्रेस करके रखिए, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। कतर में आप किसी भी कंपनी में रह के आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते कि नहीं कर सकते वो तो बताऊंगा। तो पहले आप लोग को बात दूंगा, आप किसी भी कंपनी में अगर रहेंगे तो आपके साथ एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा रहता है वो आपको एक बार पढ़ना चाहिए, ठीक से पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। आपके साथ जो एग्रीमेंट होता है एक साल का के दो साल का एग्रीमेंट होता है, दो साल के एग्रीमेंट टाइम आप किसी भी कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते, जगह में जाके काम नहीं कर सकते, पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते। तो किसी भी कंपनी में रह के पार्ट टाइम जॉब करेंगे चाहेगा तो आपको निकल भी सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट है दो साल के अंदर किसी भी दूसरा कंपनी में जाके आप काम नहीं कर सकते और किसी भी जगह में जाके काम नहीं कर सकते। पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आपको फ्री वीसा में जाना पड़ेगा कि आजाद वीसा में जाना पड़ेगा। फ्री वीसा भी एक्चुअली वीसा नहीं होता है, वो भी किसी भी कंपनी के अंदर होता है। कतर में लेके जाने के बाद आपको किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्री वीसा होता है, लेकिन फ्री वीसा एक्चुअली किसी भी कंपनी के नाम से होता है, तो फ्री वीसा एक्चुअली नहीं है। और जो आजाद वीसा बोलते हैं सेम ही चीज़ है, आजाद वीसा भी नहीं होता है। आजाद वीसा भी किसी भी कंपनी के अंदर है, लेकिन उस कंपनी का खुद का कोई काम ही नहीं है और आपको सिर्फ लेके कतर में लेके आते हैं, लेके आने के बाद आपको दूसरा जगह में आप काम कर सकते हैं। कंपनी में रह के आप नहीं कर सकते, लेकिन आप फ्री वीसा में जाएंगे कि आजाद वीसा में रहेंगे तो आप किसी भी जाके पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। एक कंपनी में आप परमानेंटली काम कर रहे हैं और दूसरा कंपनी जाके पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं अगर आप आजाद वीसा में रहेंगे कि आप फ्री वीसा में रहेंगे। तो ऐसा ही किसी भी कंपनी में आप दो साल के लिए एग्रीमेंट में एम्प्लॉयमेंट वीसा में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस टाइम में उस कंपनी में रह के आप दूसरा कंपनी में काम नहीं कर सकते। ऐसा भी बहुत सारे नियम है कंपनी का, जो काम के लिए वर्क के लिए जा रहा है बस में रोड से आप मुंह निकल के अगर पान का कि आप गुटखा का जो पीक होता है वो अगर आप रोड में फेंकेंगे तो आपके लिए फाइन भी हो सकते है। इसीलिए कंपनी में बहुत सारे चीज मना है और भी जो कतर का जो रूल्स है वो पूरा रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो मेनली जो कंपनी का अगर बात कर रहा हूँ, जो मेनली जो कंपनी का अगर किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो दूसरा जो कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते, पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी मिल गया है कतर में किसी भी कंपनी में रहकर पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। इस वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।